अस्सलामु अलैकुम। आज एंटी ड्रग कमेटी करना की जानब से एक इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें पुलिस इंतजामिया से हमारे SHO मुदस्सर साहब अपने अमला के साथ यहाँ पे आए और इलाका के ज़ई काबिल एहतराम बुजुर्गान के समेत काफ़ी सारे यूथ इकट्ठा हुए जिसमें ड्रग्स के खिलाफ काफ़ी बातचीत हुई और उसके अलावा कई सारे ऐसे मसाइल थे जिनसे हमारे यूथ जो यंग जनरेशन है वो जूझ रही थी, उन पर भी तबादला ख्याल हुआ और हमारे SHO साहब ने आज ये बात वाजिया की। अक्सर जो वो कहते रहते हैं और वो साथ हमारा देते भी रहते हैं, उन्होंने कहा कि हम आने वाले कुछ दिनों में करना के हर गांव में ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे और यूथ को एकजुट होने की भी उन्होंने तलकीन दी। मेरी भी रिक्वेस्ट आप सभी से यह है, तमाम करना के हर एक फर्द से, कि आप अपनी ज़ात से इस नेक काम में जुड़ जाएं, इकट्ठे होकर मंशियात की इस जंग को जड़ से ख़त्म करें, वरना खुदारा वो दिन बहुत नज़दीक है जब हमारा रास्तों पे चलना भी मुहाल हो जाएगा, हमारी बहू बेटियों का रास्तों पे बाहर निकलना मुहाल हो जाएगा। ये चीज़ बहुत नज़दीक आ रही है, इसीलिए बेहतर यही है कि ऐसा वक्त आने से पहले हम सब बेदार हो जाएं और हम इस जंग में बराबर के शरीक हो जाएं। ज़ुबानी तो सभी साथ देते हैं लेकिन साथ हमें जिस्मानी चाहिए, साथ हमें फिज़िकल सपोर्ट चाहिए ताकि हम एक साथ मिलकर करना का नाम वापस नक्शे पर उसी तारीफ के साथ लाएं जिसके लिए हमारे लोग, हमारा इलाका जाना जाता था। वस्सलाम।